मुझे चक्कर से आ रहे हैं, काफी ज्यादा घुमावदार रास्ता था। No, I'm saying you want to say anything about this place. No, no, no. अब ऊपर के वाटरफॉल में जा रहे हैं, चलो चलते हैं वहाँ पर, देखूंगा। ठीक है भाई, चलते हैं। साफ रहेगा ना तो नहा लूंगा, नहीं तो चेंज कर लूंगा, पानी बहुत ठंडा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं फाइनली मसूरी पहुंच चुका हूं। मेरे नीचे मसूरी का व्यू है एंड मैं सुबह देहरादून से निकला था सुबह 8:30 बजे एंड अभी क्या टाइम क्या हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं, 8:30, 9:30, 10:30, 11, 3 घंटे की जर्नी के बाद मैं मसूरी पहुँच गया हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता जाना कहाँ है, केम्प्टी फॉल शायद जाना चाहता हूँ। देखता हूँ यहाँ से वहाँ के लिए कुछ सवारी वारी ढूंढता हूँ, कुछ मिल जाए फिर केम्प्टी फॉल पहुँचता हूँ। तो मैं अभी भी ऋषिकेश में हूँ और यहाँ पर मुझे एक कैब ढूंढनी है, शेयरिंग कैब मिल जाए तो सही रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सही व्यू है। मैं दिखाता हूँ मसूरी का, ये भी वो है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब सही लग रहा है। यहाँ पर मैं अकेले सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मसूरी में, पहली बार आया हूँ, कुछ पता ही नहीं इस जगह के बारे में, कहाँ जाना है और शायद मैं आज यहाँ पर स्टे ना करूँ, वापस देहरादून चला जाऊँ। लेकिन देखता हूँ सवारी मिल जाए केम्प्टी फॉल के लिए। केम्प्टी फॉल भी यहाँ से काफ़ी दूर है, आसपास की कोई और जगह मिल जाए तो ठीक है घूमने के लिए एंड थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पता किया तो एक भैया ने बताया कि आगे जाओ पुलिस चौकी आएगी, उसके आसपास मुझे मिल जाएगी सवारी जो कि 100 रुपये लेगी क्योंकि शेयरिंग वो है। और वैसे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे मतलब 1300-1400-1800 इस हिसाब से मतलब रेट है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा मुझे एंड इधर पहाड़ काफ़ी ज़्यादा माउंटेन रेंज है बहुत ऊँचे ऊँचे, तो व्यू तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है एंड मैंने माइक यूज़ नहीं किया है। माइक यूज़ करने पर काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है कैमरा और मैं वीडियो भी सही से बना नहीं पाता, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। इधर का व्यू बहुत सही है, यहाँ का व्यू है मसूरी का, लग रहा है हाँ पहाड़ों में आया हूँ। क्वीन ऑफ हिल्स ऐसे नहीं बोलते मसूरी को। मैं काफ़ी देर से टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, अब शायद मिल जाए, अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और डिस्टेंस होगा। फाइनली लगभग 15-20 मिनट ढूंढने के बाद मुझे ये ऑटो मिल गया है, शेयरिंग ऑटो है, 100 रुपये इसका किराया है, वैसे 2500 ले रहे थे एंड डिस्टेंस 15 किलोमीटर ही है यहाँ से। तो चलते हैं शेयरिंग कैब में, शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, काफ़ी ज़्यादा सही जगह है। मुझे लगता है आधे आधे घंटे और ट्रेवल करना पड़ेगा एंड मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर 12:30 बजे तक एंड काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो केम्प्टी फॉल पर पहुँचने के बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं केम्प्टी फॉल और मेरे साथ 2-3 मेंबर और जुड़ गए हैं। हर्ष कैसे हो? बढ़िया हूं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, तो हम शेयरिंग कैब में साथ ही आए हैं और इनके साथ एक और हैं जो कि फ्रांस से हैं, तो हम सारे तीनों साथ ही जा रहे हैं एंड कुछ कहना चाहते हो हर्ष? मैं बस यही कहना चाहता हूँ मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब सही है। और इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रखा है इंडिया में, है ना, एंड राफ्टिंग ऋषिकेश में जैसे मैं करके आया अभी, तो इन्होंने पहले ही कर रखा है सब कुछ। तो अभी चलते हैं केम्प्टी फॉल में, फिर देखते हैं। और यहाँ की ये मार्केट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है।
तो कैंपटी फॉल में चल के मिलते हैं। तो फाइनली मैं कैंपटी फॉल में पहुंच गया हूं एंड यहां पर क्राउड बहुत ज्यादा है। मैंने लॉकर ले लिया है चाबी उसकी और अब मैं इसमें नहाने जा रहा हूं। मेरे साथ पर्स था, पता नहीं कहां चला गया। वाटरफॉल है काफी ज्यादा दिख रहा है, पानी मुझे साफ नहीं लग रहा है ना होगा वाटरफॉल। और यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ, क्राउड बहुत ज्यादा है। क्राउड बहुत ज्यादा ठंड है और यार नीचे पत्थर है बहुत ज्यादा, आवाज नहीं आ रही होगी, पैरों में चुभ रहे हैं, पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। और यहाँ पर लोग देख रहे हैं आसपास, क्राउड काफी ज्यादा है। इससे ज्यादा अच्छा नीर वाटरफॉल था, उसमें गहराई भी थी और रेत भी, पत्थर भी थे। तो यहाँ पर आ सकते हो, कैंपटी फॉल है, अच्छा वाटरफॉल है। इन क्राउड की वजह से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, ऊपर से गंदगी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और मेरी वीडियो बनाएगा हर्ष भाई, ये नहा नहीं रहे हैं, मैं बनाता हूँ इसकी वीडियो भी। और मेरे साथ हर्ष के साथ और हैं ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल। सो यू वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस? ओके। नो नो, यू डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस? No, I'm saying you want to say anything about this place. Oh, no, I don't want to. पत्थर है देख के। हाँ, पानी थोड़ा गंदा है। हाँ तो भाई मैं आ गया वाटरफॉल से, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। और मैं बता दूँ पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन गंदगी भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग विजिट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने के लिए आ सकते हैं क्योंकि ठंडी लग रही है। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर है और शेयरिंग कैब करके आओगे तो 100 रुपये लगेंगे, बाकी अगर ऑटो से आओगे 1500-2500 इस रेंज में आते हैं। और आपको स्कूटी भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। ठंडी लग रही है भाई, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है वो देख सकते हैं पूरा, और लोग ऊपर से भी देख रहे हैं। मेरे ऊपर ब्रिज है, यहाँ से दिख नहीं रहे होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक लास्ट बार नहाने के लिए। स्विमिंग पूल में दिक्कत हो जाती है, चोट लग गई यार, चोट लग गई इस पे। हाँ, दीवार का खंडन है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, तो यहाँ यहाँ पर पानी धीरे आ रहा है, चोट नहीं लग रही है ज्यादा। और अंकल मुझे गाइड कर रहे हैं, अंकल मुझे होता है मेरा लास्ट था। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ पर ठीक है पानी मेरे ऊपर आ नहीं रहा है, यहाँ बोला था मुझे। तो चल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। नीचे का वाटरफॉल था, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है।
मैं गीला हूँ, नहा चुका हूँ, अब ऊपर के वाटरफॉल में जा रही है। चलो चलते वहाँ पर देखूंगा। ठीक है भाई चलते हैं। साफ रहेगा ना तो नहा लूंगा, नहीं तो चेंज कर लूंगा, पानी बहुत ठंडा है। तो दोस्तों मैं थोड़ी दूर ट्रैकिंग करके आ गया हूँ और मेरी वीडियो हर्ष भाई बना रहे हैं, मेरा वो सपोर्ट कर रहे हैं, जब से नहाया तो है नहीं इन्होंने। और यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा वाटरफॉल है। अभी इसके ऊपर शायद वहाँ जाए है ना। हाँ हाँ वहाँ पर जाकर ये है जो यहाँ पे है। नीचे ना नीचे पानी साफ नहीं था ज्यादा, पानी साफ नहीं था, यहाँ पर क्राउड भी नहीं है तो शायद पानी ज्यादा साफ हो। हाँ। एंड व्यू काफी ज्यादा शानदार है। तो मैं इस वाटरफॉल पे आ गया हूँ, यहाँ पर हम तीन लोग हैं, ये मेरे पीछे वाटरफॉल है, इसमें मैं नहाऊंगा तो नहीं, इसमें पानी तो साफ है लेकिन पत्थर हैं और मुझे नहीं लगता ऊपर सेफ भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा साफ है। तो मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा सही ठंडा पानी था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बोलूँ क्या। और ये देखो ये वीडियो बना रहा है। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ केम्प्टी फॉल से निकल कर, काफ़ी ज़्यादा सही था। आई होप यू इन्जॉय द वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। अभी कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, तो अभी भी मसूरी में हूँ, केम्प्टी फॉल से आ गया हूँ और अभी ये शेयरिंग कैब है, यहाँ से मसूरी जाऊँगा। केम्प्टी फॉल से मसूरी के लिए 100 रुपये किराया है एंड वहाँ मसूरी जाकर मुझे नहीं पता कहाँ घूमना है। अगर कुछ नहीं पता चलेगा तो वहाँ का मॉल रोड घूम लेंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा कहाँ पर देहरादून के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तो अभी चलते हैं, अभी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि अभी यहाँ पर लोग हैं नहीं, आएंगे सवारी बैठेगी फिर यहाँ से निकलेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद मसूरी पहुँचने के बाद। फाइनली मैं पहुंच गया हूं मसूरी अगेन, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार रास्ता था और मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो ड्राइवर ने शॉर्टकट ले लिया था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, इतनी स्पीड में चला रहा था और मुझे नहीं लगता मेरे बस की अब है और ज़्यादा ब्लॉगिंग करना। ये मार्केट है यहाँ मसूरी का, अभी मैं यहाँ से पकड़ूँगा बस देहरादून के लिए और देहरादून से निकल जाऊंगा शाम को दिल्ली। तो भाई उन दोनों को, हर्ष को और उसके साथ जो था, उन दोनों को बाय बोल के मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और ये रोड है काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ पर मतलब सारी टैक्सी बस ये सब मिल जाते हैं और मेरा स्टे करने का कोई प्लान है नहीं यहाँ पर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने लगभग 5.5-6 घंटे की ट्रैवलिंग कर ली है, अभी यहाँ से जाऊँगा, मुझे फिर से 3-3.5 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है, फिर मैं देहरादून पहुंचूंगा एंड उसके बाद 8-9 घंटे का ट्रैवल करके मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो अभी मतलब समझ लो 10-12 घंटे की ट्रैवलिंग मुझे करनी है। और इस प्लेस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सही जगह है, आ सकते हैं यहाँ पर घूमने टहलने के लिए। आसपास में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि केम्प्टी फॉल में होके आ गया, मैं वहीं पर गया और कहीं नहीं गया। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी गार्डन है एंड दिल्ली स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा व्यू है यहाँ पर, मतलब व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो ये सब देख सकते हैं एंड मैं कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मेरा सर घूम रहा है। पहले बस घूमता हूँ, बस मिल जाए एंड आई होप यू इन्जॉयड द वीडियो। पता नहीं इन्जॉय किया हो तो ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, सर घूम रहा है, चक्कर उक्कर आ रहे हैं। और अब मिलते हैं दिल्ली में।